ईसाई मिशनरी द्वारा बगैर मान्यता के चलाया जा रहा छात्रवास नगर सोनकच में। बच्चों के साथ फादर करते हैं मारपीट और झाड़ू पोछा और टॉयलेट बाथ तक साफ कराते हैं। धर्म परिवर्तन का है मामला, गरीब बच्चों को बहला फुसलाया जा रहा। देवास, खंडवा, इंदौर आदि जगह से रहते हैं बच्चे छात्रवास में। प्रशासन के द्वारा STSC के तहत कार्रवाई की गई। गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे छात्रवास को चलते चलते लगभग 25 से 30 साल हो चुके। फादर, मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य कि बच्चे का एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, वह सर्वांगीण विकास हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक रूप से सर्वांगीण विकास होता है, उच्च क्षेत्र में होता है और मानसिक रूप में और आध्यात्मिक रूप में, तो वह शिक्षा का महत्व जी। आपको मालूम है कि जो नाबालिग बच्चे रहते हैं उनसे जो उनका शोषण होता है वो कार्य अपन नहीं करा सकते उनसे, क्योंकि आपने बयान में दिया भी और आपके ऊपर STSC एक्ट और चाइल्ड के तहत भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं शासन अपनी आंख मूंदे तो बैठी नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो कुछ बातें सत्य हुई तभी इतना बड़ा कार्य हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हम किसी बच्चे से कोई भी इस प्रकार के कार्य नहीं करवाते। हमारे पास कर्मचारी है और हम उन कर्मचारियों के रहते रहते हमारे टाइम टेबल है और टाइम टेबल के अनुसार कर्मचारी लोग काम करते हैं। बस ये चीज़ है कि हमारे भारत में स्वच्छता का अभियान चल रहा है और मोदी जी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारा भारत जो है वो स्वच्छता की ओर चले। तो कभी जब बच्चे कुछ कचरा उठा के कभी डस्टबिन में डालते, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि शायद से ये हमारे कुछ गलत तरीका है, कुछ गलत रवैया है। हमारे पास कर्मचारी और कर्मचारी अपना पूरा पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं कि यहाँ पर कार्य कर सके और स्वच्छता का हम पूर्ण ध्यान रखें, हम ध्यान रखते हैं, हमारा जो सोसाइटी समाज है वो ध्यान रख रहा है, बच्चे ध्यान रखते हैं। सोनकच जो शहर नगर है उसमें आपकी स्वच्छता के प्रति कितना योगदान रहा अभी तक, रहा है कुछ सोनकच में आपका योगदान? सोनकच में सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने जो वहाँ का जो कैंपस है उसे क्लीन रखने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जब यहाँ से बाहर हम जब देखते हैं हमारे बच्चों को यही कहते हैं कि सर्वप्रथम हम स्वच्छता का, वो आपका हो गया, मैं नगर की बोल रहा हूँ, नगर में स्वच्छता अभियान आपने बोला मोदी जी चला रहे हैं, बहुत बड़ा चल रहा है क्योंकि उनको तो पूरा भारत है और विश्वगुरु भारत बनने जा रहा है। आज विश्वगुरु की ओर अग्रसर है भारत, विश्व शक्ति के रूप में नहीं विश्वगुरु के ऊपर जा रहा है भारत, तो नगर के जो क्षेत्र है अपने आसपास के उसमें स्वच्छता अभियान में आपका कितना योगदान है? उसके जो नगर के आसपास के जो क्षेत्र है उसमें हम अपने बच्चों को बस ये हम यूजुअली बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, जैसे आपने बोला कि हम एजुकेशन फील्ड में है, एजुकेशन शिक्षा ही सबसे सर्वप्रथम एक कदम है जहाँ पे हम बच्चों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, कह सकते हैं कि बच्चे जब हम बाहर आते हैं नगर में जब भी हम कहीं कचरा देख रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ये सब चीज़ें को हम दूर अवॉइड करें और हम सर्वप्रथम अपने तौर से कचरा ना फेंकें और नगर में कभी भी इस प्रकार से कभी भी हम कुछ कचरा देखते हैं तो हम एक स्टेप लें कि ये सब शिक्षा के ही अंतर्गत है और ये सब चीज़ें हम अच्छी चीज़ें जो बच्चों को सिखा रहे हैं हमारी संस्था में और हमारे हॉस्टल में। हॉस्टल पे ऐसा भी सुनना हमने आया है कि जो आप धर्म परिवर्तन के लिए बच्चों को अग्रसर करते हैं, हिंदू धर्म के बच्चे हैं उनको आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं? सर, हमारी संस्था है ना ऑलमोस्ट 25 साल तक चल रही, 25 साल से पहले यह संस्था यहाँ पर स्थापित है, ऑलमोस्ट 25 साल में कोई भी बच्चा यहाँ से बच्चे पढ़ के निकले हैं, कोई तहसीलदार है, कोई अलग अलग पोस्ट में है, लेकिन कभी भी उनका धर्म परिवर्तन कुछ इस प्रकार की कहीं घटना यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई है, बल्कि हम बच्चों को ये बोलते हैं कि जब मैं बच्चों को देख रहा हूँ तो मैं एक हर एक बच्चे में एक IAS IPS ऑफिसर का पोस्ट देख रहा हूँ कि वो बच्चा एक आगे बढ़कर IAS IPS ऑफिसर बने और उसी विचार को रख के मैं बच्चों को उनके सुबह से लेकर शाम तक की जो टाइम टेबल रहता है उसे वो फॉलो करते हैं कि बच्चे यहाँ पर है, माता पिता से अलग है, सबके माता पिता है लेकिन ये बच्चे इसके लिए अलग है और माता पिता ने इनको यही मकसद छोड़ा है कि वो बच्चे अपना फ्यूचर बना सके, अपना जीवन एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाए, एक IAS IPS ऑफिसर बनकर और देश का नाम रोशन करे। शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है और शिक्षा के जो नियम है वो आप हमेशा शिक्षा के नियम ताक पे रख के ही करते हैं। अभी बड़े दिन की छुट्टी लगी थी तो शासन के द्वारा बड़े दिन की छुट्टी रद्द कर दी गई थी, फिर भी आपकी संस्था के द्वारा वो स्कूल संचालित किया गया और राष्ट्रगान भी नहीं होता, आपके इधर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कुछ बच्चों के वीडियो भी है हमारे पास में और कुछ एक बच्चा नहीं 8 से 10 बच्चे के बयान भी है हमारे पास में कि यहाँ पे इस तरह की प्रक्रिया चलती है और हमसे लेट बात साफ किया करवाया जाता है, साथ साथ खाना भी बनवाया जाता है और साथ साथ जो परिसर में हम रहते हैं उसकी साफ सफाई हमारे द्वारा की जाती है, क्यों कि हम
फ्री में नहीं रह रहे, बच्चों का कहना है हम यहाँ पर शुल्क अदा करते हैं। जो शुल्क की बात है, जैसे हम यहाँ पर जैसे एक साल का 15,000 रुपये जो शुल्क है, और ये 9 महीने का रहता है बच्चे के, जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है या ये बच्चा ये हॉस्टल में रहता है 9 महीने के लिए। अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 महीने का जो शुल्क रहता है वो 1500 रुपये। अगर हम ये चीज़ को अगर बच्चे से हम करें, माता पिता से कहें कि बच्चा अगर बच्चा बाहर रहता है, और आप समझ सकते हैं कि एक बाहर का जो किराया है, 1 महीने का किराया ही 2,000 से 3,000 रुपये लगते हैं, और उसमें खाना पीना अगर वो करते हैं तो उसमें आप समझ सकते हैं कि 5 से 6,000। तो आप पेरेंट्स को बोल भी सकते हैं ना कि इसके अंतर्गत हम इतना खर्चा आ रहा है तो अपन नहीं रख सकते हैं। उनसे ये कहा कि अपन को बच्चे का जो बड़ा हुआ नहीं और उसकी जो बचपन था अपन यही छीन ले, अपना शिक्षा के अंतर्गत सिखाया जाता है क्या? क्योंकि इसमें माता पिता का कहीं दोष है, बच्चों का दोष है क्या इसमें? माता पिता का मैं ये नहीं कहता कि माता पिता का कहीं से कहीं तक दोष है। माता पिता अपने स्वेच्छा से, और माता पिता को पता है कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की होती है, और माता पिता कुछ ना कुछ एम लेकर वो सुनते हैं। जैसे कि बहुत सारे माता पिता यहाँ पर आते हैं, उनको पता रहता है कि हॉस्टल या क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है वो किस प्रकार से अपने देश के लिए पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट अपने देश के लिए, और जो जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, और बच्चों को भी अगर आप बता रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं बोलते, उस प्रकार की चीज़ें नहीं बोलते, नहीं, बच्चों को यहाँ पे टीका लगाना अलाउ है, बच्चों को यहाँ पे धागा लगाना अलाउ है, बच्चे भी यहाँ पर जो नारा है वो पूरे नारा बोलते हैं, और जो जो चीज़ें बच्चों यहाँ पर अपने घर पे करते हैं, अपने समाज में करते हैं, अपने रिलीजन में करते हैं, वो सब जगह अलाउ रहता है। अभी रामलला विराजमान हुए तो अपने स्कूल में कुछ कार्यक्रम कराया आपने क्या? अभी तक एक भगवा भी आपके जो परिसर है उसमें एक भगवा को देखने के नहीं मिला है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सर हम या दीपक भी नहीं जला आपके इधर? दीपक भाई ऊर्जा रहती है, दीपक का महत्व ही ऊर्जा है, दीपक ना तो देखने के मिला है आपके परिसर में, ना एक भगवा देखने को मिला है। सर हमारे पास जो राष्ट्र की जो छुट्टियां रहती है और एज वेल एज दिवाली जो रहती है, और उन सभी चीज़ों को हम विशेष रूप से सेलिब्रेट करते हैं, और जो जो छुट्टियाँ हमें स्कूल के द्वारा मिलती है और जो स्कूल प्रशासन कहता है उसके पूर्ण रूप से हम उसका फॉलोअप करते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो जो रूल्स रहते हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल को ये रूल्स देते हैं हमें उसका पूरा करते बच्चे हैं। तो हिंदू रिलीजन के रहते हैं ना, हिंदू रिलीजन के बच्चे हैं आपके हॉस्टल में? हाँ। सारे रामलला विराजमान हुए तो उसमें कुछ भी गतिविधि आपको करवाना था? सर अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली पर्सनली मिल जाता, या प्रशासन के साथ हमें कुछ पर्सनली इन्फॉर्मेशन? प्रशासन का नहीं, यह तो पूरे राष्ट्र में नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया गया है, और डिजिटल मीडिया आज आपको मालूम है आजकल तो कहीं से कहीं तक 5 मिनट में खबर आ जाती है। ये रामलला जो विराजमान हुए हैं उसमें अपना सोनकच्छ नगर ही अपितु भारत नहीं पूरे विश्व में इसका उत्सव मनाया गया है। हाँ। तो उसके उपलक्ष में भी आपके इसमें कुछ नहीं कराया गया है, और बड़े दिन की जो छुट्टी थी उसमें भी शासन के द्वारा वापस कैंसिल करके इसको लगाया गया था, और आपकी छुट्टी यथावत थी क्योंकि आपका जो त्यौहार था क्रिसमस वो उसी पे पड़ता है, और आपके यहाँ 4-5 बच्चे हैं, उनके वीडियो भी है, उनके बयान भी है कि हमसे ऐसे ऐसे कार्य करा जाते हैं और ऐसे ऐसे इस कृत्य जो परिसर इसमें चलाए जाते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की शिक्षा और नगर पे यह दाग कितना बड़ा है, आप क्या कल्पना करेंगे उसके बारे में? सर मेरा यही ओपिनियन है कि हमने कभी भी किसी बच्चों को किसी प्रकार के धार्मिक चीज़ों के लिए कभी रोका नहीं है। हम हमेशा बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आप अपने धर्म को, आप अपने फेथ को, अपने विश्वास को आगे बढ़ाएं, और हम कभी भी किसी बच्चे के लिए रोक टोक नहीं बनते। हम हमेशा चाहते हैं कि अपना बच्चा आपके अपने विश्वास में आगे बढ़े, अगर वो हिंदू रिलीजन में है हम पूर्ण तरीके से उसको रेस्पेक्ट करते हैं, और हम कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष का गलत, किसी व्यक्ति विशेष को गलत नहीं कहते हैं, किसी भी रिलीजन के प्रति हमारा कोई ठेस स्वभाव नहीं है। आपका जो हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम जो इस समाज में रह रहे हैं हम एक साथ, हमें एक यूनिटी जो सब जगह है वो महत्वपूर्ण रखती है हमारे लिए। मेरे लिए आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक फादर हूँ, एक प्रीस्ट हूँ, यहाँ पे सिस्टर लोग हैं, इतने सालों से हम यहाँ पर सोनकच्छ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम सेवा के लिए आए हैं, और हम सेवा में हर एक की हम चाहते हैं कि सब एक साथ रहे, हम कभी भी डिस्टिंक्शन ये वो डिस्टिंक्ट अलग अलग नहीं करना चाहते। सेवा के अंतर्गत आप छलावा करते हैं, देखा आपने जो टप्पा के पास में है घुसट, वहाँ भी मामला आया है, हाट पिपलिया का मामला आया है, कहीं ना कहीं यहाँ की भी सूचना मिली तभी प्रशासन आई ना, डायरेक्ट कोई तो आया नहीं आपके पास में, प्रशासन आई ना डायरेक्ट, और कहीं ना कहीं गलती मिली है, जहाँ की सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास में उपस्थित है, सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास में क्या? सर मैं संस्था को लेके, हाँ मैं संस्था को लेके पहले सब सर्वप्रथम मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर जो 5 डॉक्यूमेंट जो है लोकल अथॉरिटी है यहाँ की जी, सर सोनकच्छ की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अथॉरिटी है, और फिर
पुलिस पुलिस इन्फॉर्मेशन है, हमने पूरे पुलिस इन्फॉर्म पुलिस को इन्फॉर्म किया है इसके बारे में, नोटिस दिए बच्चों के बारे में कि यहाँ पे इतने बच्चे हमारे पढ़ते हैं। ठीक, आप हमको इसको फोटोकॉपी अवेलेबल करवा देंगे? हाँ जरूर। और दूसरी बात है, मैं आपको एक एक करके और यहाँ पे जो एजुकेशन फाइल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको हमने इन्फॉर्मेशन दिया, उनकी सील और साइन है। उसके बाद में है डेवलपमेंट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन, जो हमारे पास विकास खंड स्रोत है उनकी भी हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद में है अनुविभागीय जो SDM है हमारे, हमने उनको भी इन्फॉर्मेशन दी है। तो और उसके बाद में है हमारे पास स्कूल वेरिफिकेशन, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने मतलब जो लोकल अथॉरिटी है हमने उनको पूर्ण रूप से इत्तला किया है। इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि हमें कुछ भी छुपाना है, हमें कुछ भी नहीं छुपाना। हम चाहते हैं कि जो अथॉरिटी है हमारे पास आए, देखे, सब कुछ देखे और इन सब का ठीक ठीक प्रमाण रखे। और हमने यहाँ पर 2020 में डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में भी अपनी ये जो प्रोसेस है इंस्टीट्यूशन के बारे में है, संस्था के बारे में सब कुछ डाल के, रजिस्ट्रेशन के बारे में डाल के रखा था। और उसका भी अभी तक हमें सरकार के द्वारा कुछ आगे का फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं आया है। ठीक है, 2020 से लेकर 21, 22, 23 इतने 3 साल हो गए लेकिन उसके फर्दर प्रोसीडिंग नहीं आए। और दूसरी बात है यहाँ पर जो हमें कहा जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इन द हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर का। और जो उन्होंने हमें कहा गया है उसमें ये दो पेज बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें ये विशेष रूप से बताया गया है कि हमारे पास कोई भी अनाथ बच्चा नहीं है। हमारे पास जो बच्चे हैं वो सबके पेरेंट्स हैं, माता पिता सबके हैं और वे सबके गार्डियन हैं, और वे अपने अनुमति से अपने सहमति से यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें ये कहा है कि हम इस रजिस्ट्रेशन से हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका इस हाईकोर्ट का ये फैसला है। ठीक है, आपकी क्या पोस्ट है यहाँ पे? हाँ सर, मैं हॉस्टल इंचार्ज हूँ, फादर नबी। अच्छा, आपका शुभ नाम? फादर नबी। फादर नबी, ठीक है सर, धन्यवाद।